आ रहे हैं, जब तक आ रहे हैं तो जीवन को भी ये सोच रहे हैं। देखो अगला मैं बता रहा हूँ, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल से टी पैरामीटर से एस में और फिर वापस एस से टी में, ओरिजिनल फंक्शन में वापस आना। तो यहाँ तो लगाते हैं लाप्लास और यहाँ लगाते हैं उसका इनवर्स, ठीक है। तो इफ लाप्लास, सबने पढ़ा था कि किसी फंक्शन का अगर हम फाइंड करते हैं वो अगर एस में आता है तो देन कुछ नहीं करना होता है, एल को उल्टा ऑपरेट, मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ टी, ये होता है इनवर्स लाप्लास। तो जितने भी फॉर्मूले में लाप्लास की स्टडी किए थे उन सभी फॉर्म को रिवर्स कर दो बेटा तो सारे फॉर्मूले बन जाएंगे इनवर्स लाप्लास के। जैसे कि अगर मैं पहले फॉर्मूले की बात करूं कि 1 का लाप्लास क्या होता है, ये हमने डेरिवेशन करके बताया था, होता है 1 बाय s। तो यानी कि अब इस l को यहां ऑपरेट कर दो तो l इनवर्स 1 बाय s की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट शुड बी इक्वल टू 1। नंबर 2, लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने e की पावर at का ले चाहे e की पावर -at का ले, उसका आंसर होता है 1 अपॉन s माइनस a। तो ये मैंने अभी डेरिवेशन आपको बताया था है ना, लेकिन अगर मुझे L इनवर्स निकालना होगा 1 अपॉन s माइनस a का, तो इट इज e टू द पावर at, और आप यहां प्लस a लेते हो अगर आप, इफ यू फाइंड इफ यू राइटिंग L इनवर्स 1 अपॉन s प्लस a, तो आपने क्या करा a को माइनस a से रिप्लेस कर दिया, तो फॉर्मूला आ जाएगा e की पावर माइनस a। नंबर 3 फॉर्मूला, अरे ओके ओके ये लास्ट स्लाइड ठीक है। देखिए देखिए, इफ यू राइटिंग एल इनवर्स 1 अपॉन एस की पावर एन, 1 अपॉन एस रेज टू पावर एन, इट विल बिकम टी रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी, लाप्लास का फॉर्मूला अगर मैं तो होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो अगर मैं इस पे l इनवर्स ऑपरेट कर दूं s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला और क्या हो जाएगा, cos at हो जाएगा, cos of at। अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करूं sin at का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब चूंकि a क्या है, कांस्टेंट है, तो जब इसमें l इनवर्स अप्लाई करूंगा तो ये इस तरीके से पहले तो ऐसे लिख दिया जाएगा जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन एटी, लेकिन अब आप न्यूमरेटर ऊपर वाले फंक्शन को देखें तो ये भी एस का फंक्शन है, ये भी एस का फंक्शन है, यानी कि ये अंदर ही रहेगा, लेकिन यही ऊपर ए है ना, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल सकते हैं। तो इस ए को मैंने ऑपरेटर से बाहर निकाल दिया, ऊपर वन कर दिया, फिर मैंने ए का डिवाइड कर दिया, तो दिस इंपेयर फॉर देयर फॉर एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए साइन एटी। मतलब इस ए को मैंने क्या कर दिया, पहले तो ए को मैंने बाहर निकाल दिया और फिर डिवाइड कर दिया, ये होता है फॉर्मूला। अब ये माइनस में दोनों डिफाइन हो जाएंगे माइनस में, यानी कि अगर मैं फाइंड करूं एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एटी माइनस में, और यही अगर मैं फाइंड करूं एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो वही आंसर आ जाएगा 1 अपॉन ए साइन हाइपरबोलिक एटी। ये कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि हमें याद रखने होते हैं जिसपे हम प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करते हैं, सेम जैसे लैपलास में हमने फॉर्मूले याद किए थे। फिर उसके बाद लैपलास की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी थी, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पर भी हमारी कुछ एलिमेंट्री यानी कि कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी हमारी वही होती है जो लैपलास में थी, लीनियरिटी का मतलब है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा फंक्शन हो आपस में जुड़े हुए हों, कैसे प्लस से या माइनस से, तो आप उनको तोड़ दीजिए, अलग अलग कर लीजिए, ब्रेक कर दीजिए, तो ब्रेक करने के लिए जो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं वो लीनियरिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल में मैंने क्वेश्चन लिखा, सपोज एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4s अपॉन s स्क्वायर, अरे यार 4s ले लिया, 4 ले लेता हूँ केवल, चलो 4s ले लिया, s स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 अपॉन s क्यूब
प्लस थ्री अपॉन एस, ऐसे प्लस माइनस मैंने मर्जी से लगा दिया, एस माइनस थ्री। मान लो ये क्वेश्चन मैंने ले लिया, अब मुझे दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन हैं, ये जो फंक्शन हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चार है एक साथ, एक दो तीन और ये चार आपस में जुड़े हुए हैं, या तो प्लस साइन से या माइनस साइन से। तो आप क्या करो, सेपरेट कर लो, अलग अलग कर लो। तो अलग अलग करने के लिए जो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं वो होती है लीनियरिटी। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाय लीनियरिटी, वी आर राइटिंग बाय लीनियरिटी, दिस इक्वल टू एल इनवर्स, लिख दो क्या लिखना है, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस फोर, ऐसे लिख दो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस फोर। अभी ये फोर को बाहर निकाल दो, एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन, ठीक है, और ऐसे ही करके अलग अलग करके लिख दो और फिर के फॉर्म में अप्लाई कर दो। ये इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, आगे वाले का क्या होता है, इसका क्या होता है, फॉर्म ले अप्लाई करके यहाँ लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस ये होती है लीनियरिटी, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है कि यार एक से ज्यादा फंक्शन जुड़े हुए हो, प्लस साइन से माइनस साइन से, तो उनको सेपरेट कर लो, सेपरेशन का मतलब होता है लीनियरिटी। तो ये होती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमारी, सिंपल सी, और फॉर्मूला लगा दो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी आती है फर्स्ट शिफ्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि अक्सर ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसे होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। ट्रांसफॉर्म का मतलब है, मतलब आंखों में दिखती, आंखों से दिखती है, लेकिन क्या है, कई बार है ना समझ में नहीं आती है कि दिखती तो है, कि यार दिमाग में कई बार वो बैठती नहीं कि यार ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब था चेंज रहना, एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म, कन्वर्जन, परिवर्तन, उसे हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रांसफॉर्म बताऊंगा लाप्लास के लिए फॉर्मूला, और उसी फॉर्मूले को उल्टा करके मैं आपको बताऊंगा इनवर्स लाप्लास के लिए। जब मैंने क्लास में पढ़ाया था तब भी मैंने ऐसे बताया था, रिविजन के टाइम पर भी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। यानी कि अब मैं जो है यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ ऐसे। अब सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ लैपलास की प्रॉपर्टी। तो लैपलास की प्रॉपर्टी मैंने पिछले क्लास में डिस्कस करी थी, वो ये होती है कि इफ अगर हमें लैपलास किसी सिंगल फंक्शन का दे रखा है, पता है, और हमें, मैंने कहा इफ का मतलब होता है गिवन, देन का मतलब होता है फाइंडिंग्स, जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अगर मुझे इस टाइप के फंक्शन का लैपलास फाइंड करना है ना, या माइनस हो, जो भी वट एवर इट इज, तो इसका आंसर होता है एफ एस माइनस ए, एस की जगह एस माइनस ए। या अगर मुझे लैपलास फाइंड करना है ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू एफ टी टाइप के फंक्शन का, तो उसका आंसर होता है एफ एस प्लस ए। बहुत सारे क्वेश्चन किताबों में आपको ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद बेटा कितने बच्चे हैं अपनी क्लास में भी बता सकते हैं, या मैं ज्वाइन करूँ एक बार खुद मीट, कितने स्टूडेंट हैं बेटा अभी? अरे कितने स्टूडेंट हैं बताओ? सर 20 हैं। अच्छा, मुझे मिला के या एक्सक्लूड करके? सर इंक्लूड करके आपको। बहुत ही ज्यादा है फिर तो यार, आज कैसे हुआ है, इंटरेस्ट नहीं ले रहे आज। चलो ये है ना, ऐसे है, अब मैं इस प्रॉपर्टी को रिवर्स कर रहा हूँ इनवर्स लाप्लास के लिए। सारी क्लासों में यही हालत है या सिर्फ मेरी क्लास में ऐसी हालत हो रही है? जी बता दो यार, क्लियर, क्या क्या सिचुएशन है, क्या बात है, आज क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो तुम आज? या एंड में जब अटेंडेंस होगी तब आएंगे, लिंक ज्वाइन करेंगे। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखो इस एल को यहाँ ऑपरेट कर, तो इफ इफ इनवर्स लाप्लास ऑफ, समझना अच्छे तरीके से फॉर्मूले को, एफ ऑफ बार एल एफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, तो इस एल को भी यहाँ देन, यहाँ देन लगा दो। अब यहाँ पे इस देन में ये है, तो इसको यहाँ ले आओ, देन इनवर्स लाप्लास एफ एस माइनस ए टाइप के फंक्शन का अगर हमें फाइन करना है, तो इट इज ई टू दी पावर ए टी इंटू एफ टी। अब ये एफ टी क्या है भाई, ये एफ टी क्या है, ये एफ टी क्या है, एफ एस ही तो है एल इनवर्स, तो इसकी जगह रिप्लेस कर दो, ई की पावर ए टी इंटू इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस। अब आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए क्या किया कि जो एफ एस माइनस ए टाइप का कोई भी फंक्शन था ना, वो एफ एस में कन्वर्ट हो गया,
पर एफ एस का फार्मूला हम जानते हैं, अब तक हमने जितने फार्मूले पढ़े हैं उसमें केवल एस ही तो आता है, 1 upon s square plus 9, 1 upon s square plus 3, s upon s square plus 4, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब जो चीज हमें गिवन है, जिस चीज को हम जानते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया हमारे क्वेश्चन का, किस टाइप के क्वेश्चन का, एफ एस माइनस ए टाइप के फंक्शन का। अच्छा, और नीचे वाले को करता हूँ, नीचे वाले का करता हूँ तो एल इनवर्स एफ एस प्लस ए टाइप के फंक्शन का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, कैसे, ई की पावर माइनस ए टी इंटू इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस। कहने का मतलब ये है कि कोई क्वेश्चन जिसमें एस की जगह एस प्लस ए आ रहा है या एस की जगह एस माइनस ए बन रहा है, तो एक बार उस क्वेश्चन को देखना, देखने से ये पता लग जाएगा कि अगर यार ये ए नहीं होता, ए नहीं होता तो हम अब इजीली अपना फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को कर सकते थे। तो करना क्या है, ये जो भी ए है ना, ए इसे आप बाहर निकाल दो, यहाँ अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा, और अगर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, और ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी इन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको। मैंने इस क्वेश्चन को, मैंने एक क्वेश्चन ऐसे लिया, मैंने एक क्वेश्चन कुछ ऐसे लिया, सर इसे प्रूफ ही पूछते हैं क्या? नहीं नहीं प्रूफ नहीं पूछते हैं, प्रूफ अगर पूछते हैं तो मैंने बता चुका हूँ, बुक में लाते हैं, बुक में दे रखा था एक प्रूफ भी, मैं थ्योरम भी पूछते हैं, तो जो दे रखे मैंने सारी कराई है प्रूफ, मेरा बेटा रिवीजन चल रहा है तो प्रूफ में बता चुका हूँ बेटा, जो मैंने क्लास में दे दिया। वो नहीं बोल रहा, मैं तो पूछते हैं ना इसके प्रूफ ही पूछते हैं ना। हाँ पूछ लेते हैं, दो चाचा लाइन के प्रूफ है, पूछ लेते हैं, प्रूफ भी याद होने चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो ये पहला क्वेश्चन मैं अगर लूं, इनवर्स लाप्लास 1 upon s plus 4 का होल स्क्वायर प्लस 9, इससे मतलब थोड़ी देर के लिए अगर सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर इस क्वेश्चन में ये 4 नहीं होता तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, ऐसे होता, 4 नहीं होता तो ऐसे होता, और इसका आंसर हम जानते हैं क्या होता है, इसका आंसर हम जानते हैं क्या होता है, इसका आंसर होता है 1 upon 3, 1 upon a sin 80, यानी कि 1 upon 3 sin 3t, ये इसका आंसर होता है डायरेक्ट। लेकिन अब यहाँ क्या कर रहा है, ये s plus 4 दे रखा, तो हमें करना क्या है, अपने क्वेश्चन को ऐसे होके यहाँ ट्रांसफॉर्म करना है, इस जगह इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि क्वेश्चन हमें दे रखा है एफ एस प्लस 4 टाइप से, और हमें ट्रांसफॉर्म करना है एफ ऑफ एस। सपोज करिए अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, एल इनवर्स 1 upon s minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 तो ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, प्लस 3 ले लो, तो वही की बात है, 3 ले लो, ऐसे ले लो, प्लस 3 ले लो। अब हम जानते हैं यार अगर यहाँ पे 1 नहीं होता, निंद्र वाला 1 नहीं होता, तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से होता है, 1 upon s square plus 3, ठीक है। अब 3 को लिख दो √3 का होल स्क्वायर, तो वो तो एक ही बात है, s square plus a square का फॉर्मूला बन जाता है, ये बन गया 3 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा √3 का होल स्क्वायर, तो एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन तो हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन को ऐसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि f ऑफ s माइनस 1 टाइप से हमें कोई फंक्शन दे रखा है, उसे हमें f ऑफ s में ट्रांसफॉर्म करना है। तो यही तो मैंने आपको बताया है कि किसी क्वेश्चन को अगर कोई क्वेश्चन f s माइनस a दे रखा है तो आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो आप इसको क्या करो, याद करने का तरीका क्या है, इस a को बाहर निकाल दो और e की पावर में ले जाओ और इन टूज के साथ वो मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी कम्प्लीट। और अगर माइक प्लस में दे रखा है तो माइनस से बाहर ले जाओ, हो गया फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी कम्प्लीट। अगम बात, यानी कि अगर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखूं, इस क्वेश्चन नंबर 1 का मैं सोल्यूशन लिखूं, इनवर्स लाप्लास आपको फाइंड करना है s plus 4 के होल स्क्वायर प्लस 9 का, तो आप क्या करो, ये फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी लगा के इस 4 को बाहर ले आओ, चूंकि प्लस है ना तो माइनस आ गया 4 into t, और इनटू अब इसमें 4 को हटा दो, खत्म तुम्हारा आंसर, ये लो फाइनल आंसर हो गया दिस दिस एंड दिस, खत्म। देख लो बेटा ये होती है प्रॉपर्टी, इस 4 को हटा दो, s की जगह s plus 4 है ना, इस 4 को हटा दो, ऊपर ले आओ, चूंकि प्लस है तो माइनस में आएगा, माइनस है तो प्लस में आएगा, खत्म।
और ये आपका आंसर हो गया किस प्रॉपर्टी से y हो सकता फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी खत्म दैट्स ऑल योर क्वेश्चन और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में कई बार क्या होता है यार ये चीज ना ऐसे नहीं होता ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होता क्वेश्चन होता है ऐसे जो किताबों में एक्चुअली एग्जाम्स पूछा था वो आता है ऐसे एस स्क्वायर प्लस सपोज करो मैंने दे दिया 5s प्लस 3 मान लो ये दे दिया क्वेश्चन मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे बिल्कुल सही है परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अब यार परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 5 आ गया ना यार तो क्या करते हैं मैंने आपको बताया था ना जो 2ab वाला टर्म होता है उसको क्या कर देते हैं जैसे सपोज करिए मुझे इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है ना तो मैं केवल स्टार्टिंग की इन दो टर्म्स को देख रहा हूं तो ये टर्म किस तरह से लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab है ना 2ab दे रखा है ना तो आप क्या करो जो भी आपको ये 2ab वाला टर्म दे रखा है 2ab वाला टर्म कौन सा वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को बोल जाइए ये जो टर्म दे रखा है ना बेटा आप इसका आधा कर दो जो भी कांस्टेंट है ना कोएफिशिएंट उसका आधा कर दो कोएफिशिएंट का आधा कर दो उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो जैसे s स्क्वायर छोड़ दो 5s वाले टर्म को देखो इसका हाफ कर दो कांस्टेंट का कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या है 5 तो ये हो जाएगा आधा कर दो और चूंकि प्लस का साइन है तो s प्लस 5/2 का स्क्वायर पहले तो इतना कर दो पहले तो इतना कर लो ठीक है अब आप इसको पहले सिंपलीफाई करो तो क्या बनता है एस स्क्वायर प्लस 25/4 ये बन रहा है प्लस ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा 5s तो देखो बेटा ये दो टर्म्स तो आपके क्लियर हो गए ये दो टर्म्स तो आपके क्लियर हो गई अब आपको यहां चाहिए 25 ये आपका बन रहा है 25/4 आपको चाहिए 3 तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा तो सब क्या करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा कि इसका आंसर 3 आ जाए तो जाहिर सी बात है 3 का मतलब 12 आना चाहिए 12/4 आना चाहिए 12/4 आएगा तभी तो 3 बचेगा तो 12/25 में सब कर दो तो कितना बचा 13 बचा ना तो -13/4 बताओ समझ में आया नहीं आया देख लो यू गॉट माई पॉइंट ऑन दैट -13/4 अब आप इस टर्म को सिंप्लीफाई करके देख लो एग्जैक्टली ये आएगा क्या नहीं आएगा बता लो देख लो बेटा यस सर क्लियर तो क्लियर हो गया ना तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया जब भी कभी भी आपको आड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन है आड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन है जिसमें 5 आ रहा है 7 आ रहा है सपोज करो यहाँ से अब एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा आप मुझे करके बताइएगा है ना जिससे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी क्लियर हो जाएगा तो एक तरीका है हमेशा जो भी आपको ये टर्म दे रखा है कुछ मत देखो इजिली परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा जो भी आपको यहाँ टर्म दे रखा है उसमें इस टर्म को देखिए कॉन्स्टेंट को उस कांस्टेंट का आधा करके उसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो फिर इसको ओपन कर लो फिर जो चाहिए उस हिसाब से इसको अपने काम पूरा कर लो तो देखो इसका आंसर क्या आएगा नाउ दिस इक्वल टू फाइनली दिस इक्वल टू हमें इस तरह के क्वेश्चन भी आने चाहिए क्योंकि सिंपल सिंपल परफेक्ट स्क्वायर वाले तो आपको मैंने सिखा दिए थे क्लास में s + 5/2 का होल स्क्वायर -13/4 को लिख दीजिए √13/2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए तो अब इसका आंसर क्या होगा ये जो 5/2 है ये a की पावर में आ जाएगा तो a की पावर -5/2 (t) अब ये ऐसे मत लिखना बेटा ऐसे गड़बड़ हो जाएगा ऐसे को ऐसे लिखो -5t/2 ऐसे लिखो ज्यादा सही रहेगा 5t/2 फिर अब आपके क्वेश्चन में जो ये 5/2 है ये हट जाएगा तो बन जाएगा s स्क्वायर -√13/2 का मुझे बताओगे बेटा ये इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है एनीवन एनीवन किसी को बताना है तो बता सकते हैं ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पर नहीं भी बताना है तो चल जाएगा कोई ठीक है चलता है जैसे चला है चलता रहेगा क्या करना है इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा इसमें लगा दो फॉर्मूला इनवर्स लाप्लास 1/2 अभी लिखवाया था s स्क्वायर -a² sin हाइपरबोलिक a t इसका आंसर हो गया e^(-5t/2 sin हाइप सब अब सब वो हो गए मतलब सैचुरेट हो गए स्टूडेंट्स पता है ऐसे ही चलना है तो हम भी ऐसे ही चला रहे हैं बस है ना ये हो गया इसका आंसर और डिवाइड बाई 2 13/2 1/a भी तो आएगा साथ में 1/a भी तो होगा तो ये 1/a तो यानी कि 2/√13 ये ऐसे इसका आंसर हो जाएगा।
इसका आंसर हो जाएगा। सपोज करिए ऐसे क्वेश्चन अगर मैं दे दूं आपको इनवर्स लाप्लास, ऊपर मैंने एस दे दिया या ऊपर मैंने एस प्लस वन दे दिया, चलो ठीक है, नीचे दे दिया एस स्क्वायर माइनस सेवन एस प्लस सिक्स, चलो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, चलो करके बताओ एक बार मुझे कैसे। तो बाई चांस अगर क्वेश्चन मैं अगर दे दूं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला मोटिव क्या होता है, सबसे पहला मोटिव होता है डिनोमिनेटर को चेंज करना और फिर डिनोमिनेटर के हिसाब से न्यूमरेटर को चेंज करना। तो पहले आप मुझे बता दो कि यार डिनोमिनेटर का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, बस इतना बता दो, खत्म बात, उसके बाद आगे का काम मैं बता दूंगा। करना एक बार मुझे बताना क्या इसका आंसर आएगा। अरे यार तुम करके बताओ, तुम मुझे ऐसे जैसे मैं कराता हूँ वैसे थोड़ी कराना है, तुम मुझे आंसर बताओ, 49/4 का प्लस माइनस करो तो मुझे बताओ क्या करना है, क्या आएगा आंसर। सर x स्क्वायर माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, s माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, हाँ सर, उसके बाद आंसर 2.5 माइनस कर देंगे, 2.5, ठीक है भैया ये बता रहा है 2.5 आएगा क्या यार, 25/4 2.5, अच्छा 2.5, हाँ 25/4 सही है, ऐसे बोलो 2.5 नहीं ऐसे बोलो, ठीक है तो ये है बेटा आंसर ना। तो दिस इज आवर क्वेश्चन, अब क्या करना है यार, ये यहाँ रख दो सबसे पहले, तो मैंने ये सबसे पहले डिनोमिनेटर में रख दिया s माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 25/4, ये मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में s माइनस 7/2 आ रहे हैं तो उसके हिसाब से मुझे न्यूमरेटर को भी चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने s की जगह पहले तो लिख दिया s माइनस 7/2, चलो ठीक है, तो चलो s तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ आना चाहिए प्लस वन, मेरा आ रहा है माइनस 7/2, तो भाई से जाहिर सी बात है मैं क्या ऐड करूँ बेटा कि प्लस वन आ जाए, प्लस वन का मतलब 2/2 चाहिए ना, 2/2 कब आएगा, जब इसमें 9/2 ऐड कर दोगे, बताओ सही है गलत है भाई, वन का मतलब 2/2 आना चाहिए और 7/2 आ रहा है आपका फ्रैक्शन पार्ट, तो जाहिर सी बात है ये फ्रैक्शन पार्ट वन कब होगा, माइनस 7/2 है ना और आपको ये चाहिए वन, ये फ्रैक्शन पार्ट वन कब आएगा, जब ये 2/2 होगा यानी कि 9/2 आपको ऐड करना पड़ेगा, बताओ समझ में आया कि नहीं आया आपको। यस सर आया सर, यस सर। अब आप अलग अलग कर लो, अब आप अलग अलग कर लो, पहला पार्ट क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय यूजिंग विच प्रॉपर्टी आई एम सेपरेटिंग दिस अपॉन एस माइनस 7/2 होल स्क्वायर माइनस 25/4 को मैं लिख दूं 5/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखता हूं ज्यादा इजी रहेगा, बाय यूजिंग विच प्रॉपर्टी आई एम सॉल्विंग दिस, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है जब जाके मैंने इसको ऐसा किया है, लीनियरिटी, ठीक है ये लीजिए बेटा हो गया तुम्हारा काम, नाउ दिस इक्वल टू, अब इसका आंसर लिख दो ई की पावर 7 हेलो एक सेकंड बेटा बोलो, हेलो हाँ जी बोलिए सर, बढ़िया है, हाँ ये हो गया एक बार 70/2 एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया बेटा हमारा फाइनली, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया देख लेना अभी, अभी बताते हैं, प्लस 9/2 इसमें से भी नीचे वाले से इस वाले से भी मैंने 7/2 मान निकाला तो ओ सॉरी प्लस आएगा, हाँ प्लस आएगा 70/2 और एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, अब आप उसका आंसर लिखना, इसका आंसर क्या होता है इसका लिखना, इसका आंसर क्या होता है वो लिख देना, तो ई की पावर 70/2, ठीक है इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया कॉस हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक
फाइव बाय टू टी, ये तो इसका आंसर हो गया, प्लस 5 by 2t है, plus 9 by 2, e to the power 7t by 2, sin hyperbolic, क्योंकि 1 है ना पर, 5t by 2, upon 5 by 2, upon a, 5 by 2 का मतलब 2 by 5, तो ये 2 से 2 कर जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 9 by 5 into this, ये इसका आंसर होगा, खत्म। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी में, और इस तरह में कितने क्वेश्चंस होंगे, नाउ सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी, अब सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी से पहले एक फंक्शन जो मैंने बताया था वो जरूर होगा, आपको पता होना चाहिए, और उस फंक्शन का नाम क्या है, कोई बता सकता है कि बिफोर यूजिंग सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी हमें एक फंक्शन पता होना चाहिए, वो फंक्शन कौन सा है, नाम ही बता दो क्या था, हेविसाइड्स, बहुत बढ़िया बात है ना, हेविसाइड्स यूनिट स्टेप फंक्शन, इस फंक्शन का हमें मालूम होना चाहिए, अता पता होना चाहिए, तो वो एक मैं लिखवा देता हूँ आपको, बिफोर सॉल्विंग सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी तो हमें एक पता होना चाहिए हेविसाइड्स, ये साइंटिस्ट का नाम है, यूनिट स्टेप फंक्शन, जिसने ये यूनिट स्टेप फंक्शन ड्राइव किया था, यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। तो देखिए आप लोगों ने पढ़े क्या बेटा रैम फंक्शन और ये सब, ये एरर फंक्शन, रैम फंक्शन वगैरह पढ़े है ना, पे इलेक्ट्रिकल में तो आते भी यूज होते हैं, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन वगैरह, तो ये सब उसी के पार्ट है, ये सब। तो यूनिट स्टेप फंक्शन का डेफिनेशन होता है यू टी माइनस ए या एच टी माइनस ए, कैसे भी बोलते हो इसकी वैल्यू होती है 1 और 0, व्हेन टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए और 0 व्हेन टी लेस देन ए, इस तरीके से ही फॉर्मूला होता है। यानी यूनिट स्टेप का मतलब मैक्सिमम जो स्टेप चल रहा है वो यूनिट है, वो 1 है बस, मैक्सिमम 1 मिनिमम 0, 1 0, तो 0 कब, जब टी ए से छोटा है, इक्वल टू है और बराबर है उससे ज्यादा है तो उसकी वैल्यू 1 है, ये UT minus A और ST minus A, Heavisides unit step function, Heavisides unit step function। अब इस function को हम use करेंगे अपने second shift property के अंदर, तो मैं direct discuss कर रहा हूँ कि यार ये Laplace inverse की second shift property क्या होती है, तो सबसे पहले आता है if, कि उससे पहले हमें क्या given होता है, if inverse Laplace of fs is equal to ft, ये अगर हमें गिवन है, then अब अगर हमें इनवर्स लैपलास निकालना है किस टाइप के फंक्शन का, देखिए इस टाइप के फंक्शन का, e to the power minus as into fs, देखना इस तरीके से, e to the power minus as, मतलब हमेशा माइनस होता है इसमें, ये फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी की तरह नहीं है, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, नहीं, इनवर्स लैपलास अगर निकाल रहे हैं तो ये हमेशा ये फॉर्म रहेगी, e to the power plus as कभी नहीं आता, और डेराइव डेरिवेशन आप देखना लाप्लास का, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और सेकंड डेरिवेटिव देखोगे तो उसमें e की पावर माइनस as ही आता है, तो ये हमेशा फिक्स होता है, प्लस as कभी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो आपकी लिमिट है बेटा वो 0 से इन्फिनिटी वेरी कर रही है, तो e की पावर अगर पॉजिटिव है बेटा तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होती है, इन्फिनिटी के क्रम में e की पावर इन्फिनिटी बनेगा, और e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, ये ध्यान रखना, लिमिटिंग केस क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, तो एक्सपोनेंशियल कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ओ सॉरी एक्सपोनेंशियल कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा इन केस ऑफ दिस, ठीक है, और ये इसलिए आता है क्योंकि जब हम आप कोई भी e की पावर at में भी तो आता है तो वो प्रॉपर्टी तो डिफाइन है, यहाँ वो डिफाइन नहीं है, यहाँ पे जो at है और e की पावर माइनस as है बेटा वो दोनों मर्ज हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, ओ सॉरी e की पावर माइनस st, ये दोनों प्रॉपर्टी जो मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी में बताया था कि लाप्लास ऑफ e की पावर at ft, इसका आंसर आता है f of s plus a, और लाप्लास ऑफ e to the power minus at ft, ये भी डेरिवेशन है, इसका आंसर आता है f of s minus a, लेकिन जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी का लाप्लास पढ़ते हैं, तो उसमें हमेशा जिसका भी आप निकाल रहे हो g फंक्शन का, उसका आंसर हमेशा e की पावर minus as ही आता है, और वो हमेशा यही रहता है, ये रहता है, कभी भी प्लस as नहीं आता है, इसीलिए जब हम इनवर्स लाप्लास निकालने के लिए एल को उल्टा ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पे ये माइनस ही रहता है, प्लस नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना, इसलिए केवल और केवल इनवर्स लाप्लास के अंदर केवल और केवल माइनस फंक्शन का ही निकलता है, प्लस फंक्शन का कोई होता ही नहीं है, प्लस फंक्शन का कोई भी इनवर्स लाप्लास निकलता ही नहीं है, तो हमेशा ये ध्यान रखना, कन्फ्यूज नहीं होना हमें फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी से और इसकी सेकेंड शिफ्ट प्रॉपर्टी से, फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी में दोनों के लिए हो जाता है,
कि अगर इस फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उस अकॉर्डिंगली हम फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जब हम सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो केवल और केवल यह नेगेटिव होता है e की पावर माइनस एस। इस टाइप के फंक्शन का इनवर्स लाप्लास हमें निकालना होता है। तो इसका मतलब क्या है मैं लेके चलता हूँ वापस आपको, ठीक है। तो मैं वापस इसको लिख देता हूँ कि इफ इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी, अगर ऐसे है ये चीज आपको मालूम है और वो आपसे पूछ रहा है देन इनवर्स लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस टाइप के फंक्शन का निकालना है तो उसके आंसर दो पार्ट में आता है। पहला होता है एफ ऑफ टी माइनस ए व्हेन टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए और जीरो व्हेन टी लेस देन ए। कहने का मतलब यह है कि आपको इस टाइप के फंक्शन का इनवर्स लाप्लास निकालना है तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि आपको सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है इनवर्स लाप्लास की, और उससे पहले आपको क्या करना है अपने हाथों से ई की पावर माइनस एस को छुपा लो, इसको छुपा लो ई की पावर माइनस एस को अपने हाथों से छुपा लो और सबसे पहले इनवर्स लाप्लास निकालो एफ एस का, और जो आपने क्या मान के चले हो एफ टी मान के चले हो। अब आप निकालो इस पूरे का जिसके साथ ई की पावर माइनस एस मल्टीप्लाइड में, तो आप ये देखो कि एक्सपोनेंशियल में एस का कोफिशियंट क्या है माइनस ए है, ये देखना हमेशा। जब आप इस पूरे का निकालना चाहोगे जब प्रोडक्ट में ई की पावर माइनस ए एस एस का निकालना चाहोगे तो सिंपल सी बात है, इसको याद करने का तरीका क्या है, सिंपल सी बात है इसको याद करने का तरीका है, जो भी आपका कोफिशियंट है ना माइनस ए उसको टी के साथ सब्ट्रैक्ट कर देना, मतलब टी माइनस ए और जीरो बना देना, दो पार्ट में डिवाइड कर देना। तो टी माइनस ए कब डिफाइन होता है व्हेन टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ऑब्वियसली टी की वैल्यू ए से बड़ी होनी चाहिए और उससे ज्यादा होनी चाहिए, और जीरो व्हेन टी लेस देन ए, इसका आंसर हो गया। अब इस आंसर को हम चाहे तो उसको यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में भी ब्रेक करके कर सकते हैं, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन के हेल्प से। सबसे पहले देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, मैं उसको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है कैसे सॉल्व किया जाए, देखो क्वेश्चन मैंने लिया कि यार कैसे हमें पहचानेंगे ये प्रॉपर्टी है, तो सीधी सी बात है इस प्रॉपर्टी को पहचाने का तरीका तो बड़ा ही सिंपल है कि इनवर्स लाप्लास, मान लो मैंने कोई क्वेश्चन लिखा है ऐसा ई की पावर माइनस टू एस इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने मान लो ये ले लिया क्वेश्चन। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन करना कैसे है, तो इस क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरीके से अरेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ एक्सपोनेंशियल की पावर मल्टीप्लाइड में है ना, तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन हमेशा सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन हमेशा सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ e की पावर माइनस टू एस इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मैंने इसको कंपेयर कर लिया कि यार ये हमारी कौन सी फॉर्म बना रहा है, तो जाहिर सी बात है ये हमारी फॉर्म बना रहा है एल इनवर्स e की पावर माइनस ए एस इंटू समथिंग एफ एस, ये फॉर्म बना रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को छुपा दो अपने हाथों से, तो e की पावर माइनस टू एस को मैंने छुपा दिया तो मेरा बचा हुआ फंक्शन क्या है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट वी फाइंड इनवर्स लाप्लास ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन, सबसे पहले मैं इसका इनवर्स लाप्लास निकालूंगा जो कि आंसर होता है कॉस थ्री टी, जो कि मुझे मालूम है इसका आंसर होता है कॉस थ्री टी। चलो बहुत ही बढ़िया बात है, एक पार्ट हो गया। नाउ अब मुझे अप्लाई करने, अब मुझे पूरे क्वेश्चन के लिए निकालना है, तो मेरा पूरा क्वेश्चन क्या है पावर माइनस टू एस इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन, तो कैसे करना है दो बार में ब्रेक कर दो, ठीक है। अब जो भी आपका आंसर आया एफ टी और आपका जो भी एस का कोफिशियंट है माइनस है उसे टी के साथ माइनस के साथ कंबाइन कर दो, यानी कि मेरा फंक्शन क्या है कॉस थ्री टी और ई की पावर का मैं एस का कोफिशियंट क्या है टू ले रहा हूँ, माइनस टू ले रहा हूँ, माइनस टू की बात कर रहा हूँ तो ऐड कर रहा हूँ, टू को ले रहा हूँ तो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, बताओ हमें तो टी माइनस टू बनाना है, तो कोफिशियंट क्या है टू
माइनस होना चाहिए, ध्यान रखना। तो कॉस थ्री टी माइनस टू और जीरो ऐसे बन जाएगा। तो ये कब होगा, जब टी की वैल्यू ए से बड़ी और उससे ज्यादा हो, बिकॉज टी माइनस टू है ना, और छोटा कब है, जब टी टू से छोटा हो। ये हो गया। अब आपको करना है क्या है, कुछ नहीं करना, आप इस कॉस थ्री टी माइनस टू को बाहर निकाल लीजिए, है ना, आखिरी स्टेप बाहर निकाल लीजिए। ऊपर तो बन गया वन और नीचे बन गया जीरो, नीचे तो जीरो है ही। अब आप चाहो तो उसको अंतर मल्टीप्लाई कर लो वापस, ये स्टेप दोबारा आ जाएगी, कॉस थ्री इंटू टी माइनस टू इंटू वन ये बन जाएगा, और कॉस थ्री टी माइनस टू इंटू जीरो जीरो बन जाएगा, वापस ये बन जाएगा। और ये स्टेप क्या है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है दिस इज नोन एज यूनिट स्टेप फंक्शन, दिस इज योर आंसर, खत्म, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन जैसे है, सपोज करिए मैंने क्वेश्चन दिया और उस क्वेश्चन को हम पहले तो फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे और फिर सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे एल इनवर्स मैंने क्वेश्चन दिया करने के लिए, जैसे मान लो ई की पावर माइनस थ्री एस, चलो थ्री ले लेते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, एस अपॉन या एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस फाइव, बेटा ये कैसे करूँगा भाई, जैसे ये करना है तो कैसे करूँगा, या वही काम कि यार मैं सबसे पहले इसको ऐसे लिख दूँ, दिस इन टू बाकी बचे हुए को ऐसे लिख दूँ, क्योंकि मैं पहले बाकी बचे हुए का निकालूंगा। अब आप मुझे बताओगे यार इस बचे हुए फंक्शन का इनवर्स लाप्लास निकालने के लिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, फर्स्ट वी फाइंड इनवर्स लाप्लास ऑफ व्हिच फंक्शन, फर्स्ट वी फाइंड इनवर्स लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन। अब इसका कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया है क्या प्रोसेस होता है, अभी आपको बताया था ये प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है बेटा, से नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, हो जाता है, बहुत ही बढ़िया बात है, हो गया साहब कंप्लीट, ये तो कर लो साहब कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद इस पूरे का, तो पूरा जो आंसर आएगा बेटा वो एफ टी आएगा, पूरा आंसर जो आएगा वो एफ ऑफ टी आएगा। तो एक बार अपन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, कंफ्यूजन नहीं हो जाए, तो कर लेते हैं एक बार, कर लेते हैं एक बार अपन, एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस फाइव को मैंने लिख दिया एस प्लस थ्री बाय टू का होल स्क्वायर प्लस। अब मुझे ये देखना है यार फाइव लाने के लिए मुझे क्या करना है, तो मैं एक बार इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं इसको एक बार सिंप्लीफाई करता हूँ, एस स्क्वायर प्लस नाइन बाय फोर प्लस यस 11/4 बिल्कुल सही है। फाइव बनाना ना, फाइव का मतलब डिवाइड में न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमेटर में फोर है ना, तो आपको 20/4 बनाना है, 20/4 बनाना है, तभी वो फाइव बनेगा। जाहिर सी बात है 9/4 तो आएगा, तो 11/4 कर दो खत्म, तो 11/4 कर दिया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, आंसर क्या ये हो गया, अब आप इसको कर लीजिए। तो दिस इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, दिस इक्वल टू सबसे पहले लिख दीजिए डिनोमिनेटर का टर्म, तो एस प्लस थ्री बाय टू का होल स्क्वायर प्लस रूट 11/2 का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर आपका क्या है, न्यूमरेटर है एस प्लस वन, उसे भी आप डिनोमिनेटर के हिसाब से लिख दो। डिनोमिनेटर क्या है, एस प्लस थ्री बाई टू, तो मैंने लिख दिया एस प्लस थ्री बाई टू, लेकिन मुझे चाहिए क्या, एस प्लस वन। प्लस वन कब आएगा, जब आप इसमें हाफ सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल सी बात है, हो गया कंप्लीट। अब कर लो अलग अलग कर लो, तो जब आप इसको इसके तरह तो आई एम राइटिंग डायरेक्ट, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, e की पावर माइनस थ्री बाई टू, ये बन जाएगा इनवर्स लाप्लास s अपॉन s स्क्वायर प्लस रूट 11 बाई टू का होल स्क्वायर, एक तो बन जाएगा ये, और माइनस का 1 बाई टू बाहर ले लिया, तो l इनवर्स, सॉरी l इनवर्स नहीं, e की पावर 3t बाई टू आएगा बेटा, 3t बाई टू, e की पावर माइनस 3t बाई टू, और l इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस रूट 11 बाई टू का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा ऐसे, ठीक है। अब करना क्या है, e की पावर माइनस थ्री टी बाई टू, अब इसका आंसर क्या होता है, cos रूट 11 बाई टू टी, चलो पहले का आंसर आ गया, माइनस 1 बाई टू e की पावर माइनस थ्री टी बाई टू, इसका आंसर क्या होता है, sin sin at अपॉन a, तो रूट 11 बाई टू इंटू टी अपॉन रूट 11 बाई टू, यानी कि 2 अपॉन रूट 11 ऐसे हो जाएगा, तो ये इससे कट गया, ये आंसर बेटा आ गया एफ टी। अभी तो ये जो निकला है ये तो एफ टी है, अब इसके साथ ही देखिए ये फंक्शन मल्टीप्लाइड में है e की पावर माइनस थ्री एस,
मतलब करना क्या है, अब जो भी जहां पर भी आपका टी है वहां टी की जगह, पहले मैं इसको कंबाइन कर लेता हूं, दिस इक्वल टू ई की पावर माइनस, इससे क्या होगा मेरा स्टेप कम हो जाएगा थोड़ा सा, cos root 11 by 2t minus 1 upon root 11 sin root 11 by 2t, ये हो जाएगा मेरा, ऐसे हो गया। अब ये मेरा ft है, तो करना क्या है, अब मुझे इस पूरे का निकालना है, तो क्या करूं, जहां पर भी दो पार्ट है, जहां पर भी t है, t की जगह t minus 3 रख दूं और लिख दूं t greater than equal to 3, और जहां भी 0 है वहां लिख दूं, तो 0 हो जाएगा, t less than 3, less than 3, क्योंकि मेरा a क्या है, my a है 3, तो क्या करूं, लिख दो, पहला स्टेप क्या हो गया, पहला हो गया e की पावर minus 3 by 2 t minus 3 into cos ब्रैकेट लगा के root 11 by 2, लिख दो root 11 by 2 t minus 3 minus 1 upon root 11 sin root 11 by 2 t minus 3, ये लो साहब t की जगह t minus 3 और दूसरा हो गया 0, ठीक है। अब आप चाहो तो इस पूरे फंक्शन को बाहर निकाल लो, तो ये तो बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 0, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा e की पावर minus 3 by 2 t minus 3 ब्रैकेट लगा के cos root 11 by 2 t minus 3 minus 1 by root 11 sin root 11 by 2 t minus 3 और साथ में आ जाएगा ut minus 3, आंसर कंप्लीट। दिस इज द सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी फॉर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देख लो समझ में आया नहीं आया बता देना मुझे, दिस इज द सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सर वो e raise to power minus 3s पे क्या किया था एक बार वापस बताओ ना। कुछ नहीं करा e की पावर माइनस 3s का बेटा, कुछ नहीं होता इसका रोल, कुछ नहीं होता इसका रोल, सिर्फ ये है e की पावर माइनस 3s का, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इस फंक्शन का सिर्फ इतना सा रोल होता है ना, इस जो e की पावर माइनस 3s का है जो इतना सा रोल होता है बस, कि आपने इस फंक्शन का जो भी आपने निकाला है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिस भी तरीके से, वहां बस t की जगह t माइनस a, बस इतना सा रोल होता है इस e की पावर के टर्म का, t ग्रेटर देन इक्वल टू a और 0 t लेस देन a में, ये रोल होता है बेटा। आई थिंक आपने समझ में आया। अब जैसे इस एक्सपोनेंशियल का है, इसमें इसका क्या रोल है, इसका सिर्फ इतना सा रोल है कि पहले आप इसका निकाल लो, इस फंक्शन का निकाल लो, निकाल लिया, अब इसके बाद इतना सा रोल है कि बस t की जगह t माइनस और ये लिखना होता है, बस ये रोल होता है, और कोई रोल नहीं होता इसका, समझ गई बात? ओके सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो मैंने बताया था, जैसे ये क्वेश्चन e की पावर माइनस 3s है, इंटू उसके साथ ये पूरा फंक्शन मल्टीप्लाइड में, तो इसका निकालो जो कि इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, इसका इनवर्स लाप्लास निकालना, जो कि हमने फाइंड किया, बस ये फाइन करा, ये इसका इनवर्स लाप्लास हो गया। अब इसमें से यार इसका रूल क्या है, बस इतना रूल ये है कि t की जगह t माइनस a लिखना है, और वो a क्या है, वो ये होता है, बस ये करना होता है, तो t की जगह t माइनस 3 बस ये लिखना होता है, बस ये रूल होता है, बस एक्सप्लेनेशन रूल, बाकी कोई रूल नहीं होता। आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो ये प्रॉपर्टी है बेटा आपकी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी। अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा, अगली क्लास में हो गए आप तो बढ़ गए बहुत, अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, नेक्स्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट पार्शियल फ्रैक्शन मेथड फॉर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा जो भी है, मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा, आप मेरी तरफ से कुछ प्रॉपर्टी और है वो बता के फिर मैं स्टार्ट करूंगा जेड ट्रांसफॉर्म। एक तरह से मतलब डिवीजन चल रहा है, कहने का मतलब है कि डिवीजन चल रहा है कि भाई डिवीजन ही एक तरह से है, तो डिवीजन चल रहा है, आप अगर आप देख लो तो क्लियर मतलब क्लीन होता जाएगा कि हाँ यार ऐसे पढ़ते थे, ऐसे किया था, ऐसे किया था, जैसे उस डे में बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी डिटेल में तो मैंने आपको नोट्स वगैरह सब चीज़ प्रोवाइड कराई दी है, वो आपको पढ़नी है, टाइम टू टाइम देखनी है, सॉल्व करनी है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही बहुत है बेटा, अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, अटेंडेंस बोलिए और रवाना होते जाइए, फिर क्वेरी हो तो वेट कर लीजिए। हाँ बोलिए, नितीश माथुर।
मोहित सिंह प्रेजेंटर।